ये भेड़ा, ये तू अकड़ी आई है? रघु बेबी जी कटे और रुपेश? बापू उनको कुछ जरूरी काम था और रघु भैया बेबी जी के साथ हैं। बेबी जी को अब तक होश कोनी आयो। होश कोनी? बेरा दीदी, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर को तो खुद ही समझ को नहीं आ रहा, घने सारे टेस्ट और ब्लड टेस्ट कहा है। भाई ऐसा तो पहली बार ही सुना है कि एक छोटे से ब्लेड के कटने से किसी को अभी तक होश नहीं आया। इसीलिए घबराने वाली बात है सुमित्रा, कहीं कटने के अलावा और कोई वजह तो नहीं बेबी जी की बेहोशी की, और इसीलिए डॉक्टर ने घने सारे ब्लड टेस्ट और वो MRI टेस्ट भी कहा है। विवेक जी, आपको याद है लगभग ऐसा ही कुछ केस हमारे हॉस्पिटल में भी आया था एक बार। बेला दीदी, वो लेडीज 4 दिन तक बेहोश रही थी और डॉक्टर्स को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। ये तो फिर बाद में पता चला कि वो किसी चक्कर से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक कर रही थी। चलो वैसे ये तो अच्छा हुआ डॉक्टर्स ने इतने सारे टेस्ट जो लिख दिए, सुबह तक प्रूफ ऑल सबके सामने आ जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि ये सब सच है या नाटक। अच्छा, बेबी जी नाटक करती हैं? नाटक बेबी जी नहीं थे करते हो माया, बेबी जी के सामने अच्छा बनने का नाटक। बेबी जी की शादी करण जी से हो रही थी तब तो अचानक से बेबी जी घनी अच्छी लगने लगी थी, ठाकुर थे उनके आगे पीछे घूमते थे और शादी कहीं टूटी, अचानक से बेबी जी खराब हो गई, थाने अपना रंग ही बदल दियो, यहां तक कि उनके बेहोश होने पर भी शक कर रहे होते। हाँ मिला दीदी, शक है मुझे, है मुझे शक बेबी जी पे, वरना वो ये सब क्यों कर रही है? कभी शादी के लिए हाँ, कभी शादी के लिए ना, कभी अपने पैसे हवेली सब छोड़ के रघु भैया के लिए यहाँ पर आ गई और कभी उन्हीं पैसों के लिए रघु भैया को छोड़कर करण जी से शादी। वो ये सब नाटक नहीं करी तो और क्या है? बेला दीदी मुझे ये सब अंडरस्टैंडिंग होता है पर आपको तो कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा। बीपी जी बेहोश होने का नाटक इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है जब उनको होश आएगा तो सब लोग उनसे पूछेंगे कि करण जी से उनकी शादी क्यों ब्रेकिंग हो गई। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है वो अभी भी यही थिंकिंग कर रही होगी कि अब मुझसे शादी कौन करेगा। जबान संभाल कर बात कर माया। बेबी जी के बारे में एक शब्द मत ही बोलना। वो किससे शादी करेंगे और किससे नहीं ये उनका अपना निजी फैसला है। ठाकुर कोई हक नहीं इस बारे में बात करने का, और कम से कम थे तो उनके ऊपर उंगली मत ही उठाओ। ताकि अपने कर्म इतने बुरे हैं कि जो हमारा मुंह खुल गया ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे थे। बस बेला दीदी, एक बार हमसे छोटी सी मिस्टेकिंग क्या हो गई दवाइयां चुराने की, अब हर बार हमें वही बातें सुनाती रहती है जबकि बेबी जी 51 गलतियां कर चुकी हैं। वो सब तो आप फॉरगेटिंग कर गई, जब देखो बेबी जी करती हुई इस पूरे घर में घूमती रहती हैं। आप याद रखिए बेला दीदी, इस घर की बहू हम हैं, बेबी जी नहीं। बेबी जी भी इस घर की बहू है और यो बात भी कभी मत भूलना।